दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिकेट का जो खेल है ना वो हमारी रग रग में बसा हुआ है। बात जब भी क्रिकेट की आती है हम टेंशन और परेशानी भूलकर सस्पेंस ड्रामा और एक मजेदार सा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन असल मजा तो तब आता है जब एक ही मैच में दो टाकरे देखने को मिल जाते हैं, मतलब मैच टाई होने पर सुपर ओवर ड्रामा। हमारी गली क्रिकेट भी सुपर ओवर तक महदूद होकर रह गई है, मतलब वन बाई वन फेस टू फेस सुपर ओवर मुकाबला। दोस्तों सुपर ओवर में एक टीम की तरफ से सिर्फ तीन ही बैट्समैन मैदान में बैटिंग करने आ सकते हैं और इनका सामना मुखालिफ टीम के बेस्ट बॉलर से होता है। पूरे मैच का रुख ओवर की कोई सी भी गेंद बदल के रख देती है और यही इस ड्रामे का सस्पेंसिव पॉइंट होता है। तो चलिए दोस्तों आज आपको 10 ऐसे ही सुपर ओवर ड्रामास दिखाते हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों जैसे जैसे क्रिकेट शॉर्ट फॉर्मेट और तेज होती जा रही है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई सारे रूल्स में बदलाव किए गए। जैसे सुपर ओवर रूल से पहले अगर कोई क्रिकेट मैच टाई हुआ करता था तो इसका फैसला कभी टॉस और कभी फुटबॉल की तरह पेनल्टीज देकर किया जाता था। जैसे 2007 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टाई हो जाने वाले इस मैच का फैसला भी कुछ ऐसे ही हुआ था। इस मैच की एंडिंग तो पहले ही बहुत एंटरटेनिंग थी जब पाकिस्तानी टीम दो बॉल्स पर सिर्फ एक रन नहीं बना पाई थी। खैर टाई होने पर दोनों टीम्स को 5-5 पेनल्टीज का मौका दिया गया था। अब दोनों टीम्स के 5-5 बॉलर्स को एक बार विकेट को हिट करना था और ये एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन बन गई थी। इंडिया की तरफ से वीरेंद्र सहवाग पहली बार में स्टंप्स का निशाना लगा देते हैं और पाकिस्तान की तरफ से यासर अरफात विकेट को हिट नहीं कर पाते। इंडिया की तरफ से दूसरी बार विकेट हरभजन सिंह के हाथों गिरती है और पाकिस्तान की तरफ से दूसरी बार उमर गुल का निशाना भी चूक जाता है। तीसरी बार में रोबन उथापा भी स्टंप्स को हिट कर लेते हैं मगर अफरीदी से नहीं हो पाता और ऐसे ये टाई हुआ हुआ मैच इंडिया जीत जाता है। नंबर 9। दोस्तों जब सुपर ओवर रूल का आगाज हुआ था तो फैंस के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, क्योंकि एक ही ओवर के मैच में दोनों टीम्स जान मारती हुई नजर आती थी। क्रिकेट का पहला सुपर ओवर न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज की तरफ से क्रिस गेल स्ट्राइक पर थे और विटोरी इनके खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद क्रिस गेल के हाथों स्टेडियम से बाहर जाके गिरती है और दूसरी गेंद के बाद तीसरी और चौथी गेंद पर फिर से क्रिस गेल दो लंबे छक्के जड़ देते हैं। पांचवी गेंद पर चौका और छठी पर दो रन के साथ वेस्ट इंडीज का स्कोर 26 हो जाता है और फिर बारी आती है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की तरफ से भी सामने खड़े बल्लेबाज पहली गेंद पर छक्का लगाकर इस मुकाबले को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। दूसरी और तीसरी गेंद पर कोई बाउंड्री नहीं लग पाती और एक विकेट भी आउट हो जाती है, मगर बॉलर की तरफ से चौथी गेंद फुल टॉस स्नोबॉल होती है जिसे सामने खड़े बैट्समैन टेलर एक लंबा छक्का लगाते हैं और मैच में एक बार फिर से जान आ जाती है। लेकिन बदकिस्मती से पांचवी गेंद पर टेलर बोल्ड हो जाते हैं और ऐसे ये क्रिकेट की तारीख का पहला सुपर ओवर वेस्ट इंडीज जीत जाता है। नंबर 8। दोस्तों सुपर ओवर खेलने के लिए हर टीम के बेस्ट प्लेयर्स मैदान में उतरते हैं। बैटिंग करने वाली टीम के पास सिर्फ दो विकेट्स होती हैं और 6 गेंदों का यह मैच सिचुएशन को और भी अग्रेसिव बना देता है। एक ऐसा ही सुपर ओवर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टाई होने वाले इस T20 मैच में भी खेला गया था, जब पाकिस्तान की तरफ से उमर गुल सुपर ओवर करवाने आते हैं। इन दिनों उमर गुल के यॉर्कर्स का चर्चा बहुत आम था। उमर गुल का सामना करने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शीन वॉटसन और वार्नर मैदान में उतरते हैं और पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 4 स्कोर बन पाते हैं। चौथी गेंद पर वार्नर चौका लगाकर स्कोर को 8 तक पहुंचा देते हैं। पांचवी गेंद पर वार्नर आउट हो जाते हैं और आखिरी गेंद पर 2 रन के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 11 तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान की तरफ से 12 रन का टारगेट चेस करने के लिए उमर अकमल और अब्दुल रजाक की जोड़ी मैदान में उतरती है। पैट कॉमस की पहली गेंद को बीट करने के बाद दूसरी गेंद पर उमर अकमल चौका लगा देते हैं। तीसरी पर सिंगल और चौथी पर अब्दुल रजाक के चौके से फैंस की जान में जान आ जाती है। पांचवी गेंद पर 1 रन के साथ पाकिस्तान का स्कोर 10 हो जाता है और आखिरी बॉल पर पाकिस्तान को 2 रन की मजीद जरूरत होती है, मगर पैट कॉमस की फजूल खर्ची यानी वाइड बॉल से पाकिस्तान आखिरी बॉल पर मैच जीत जाता है। लेकिन फैंस इस ड्रामे को बहुत एंजॉय करते हैं। नंबर 7। दो टफ टीम्स के दरमियान अक्सर मैच आखिरी ओवर्स में थ्रिलिंग सिचुएशन तक पहुंच जाता है और कई बार तो टाई होने पर सुपर ओवर भी ड्रामा क्रिएट करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले इस सुपर ओवर में देखिए, जब कैमरन व्हाइट और वार्नर कीवी बॉलर साउथी का सामना करने विकेट पर आते हैं। साउथी को हमेशा से ही T20 स्पेशलिस्ट बॉलर माना जाता है क्योंकि वो बहुत समझदारी और लाइन ऑफ लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं। साउथी की पहली 3 गेंदों पर ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 3 रन ही बना पाती है। चौथी पर वार्नर कैच आउट होते हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 7 रन का टारगेट दे पाती है। जवाब में शॉन टेट की तेज गेंदों का सामना गुप्टल और मकैलन करने मैदान में उतरते हैं।
मगर बदकिस्मती से शॉन टेट की खराब लाइनें ने काफी महंगी पड़ती है और बिना किसी बाउंड्री के स्कोर 2 गेंदों पर 5 तक पहुंच जाता है और तीसरी गेंद पर मकैलम एक जबरदस्त चौका लगाकर ये मैच जीत लेते हैं। नंबर 6, दोस्तों एक क्रिकेट मैच में चौकों और छक्कों के साथ एक थ्रिलिंग एंडिंग देखना ही तो हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन ऐसी थ्रिलिंग एंडिंग शायद आपने क्रिकेट की तारीख में पहले कभी नहीं देखी होगी, जैसे आईपीएल के इस मैच में किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियन के दरमियान हुआ था। दरअसल इन दोनों टीम्स के दरमियान चल रहा है ये मैच टाई हो जाता है और बात सुपर ओवर तक जा पहुंचती है। मुंबई इंडियन की तरफ से सुपर ओवर करवाने आते हैं यॉर्कर मास्टर बुमराह। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि बुमराह के सामने कोई भी बैट्समैन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। बुमराह अपने जबरदस्त ओवर में सिर्फ 5 रन बनने देते हैं और मुंबई इंडियन की टीम को जीतने के लिए सिर्फ 6 रन की जरूरत होती है। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से बॉलिंग करवाने मोहम्मद शामी आते हैं और मैच में असल ड्रामा तो तब शुरू होता है जब आखिरी बॉल पर मुंबई इंडियन को 2 रन की जरूरत होती है, लेकिन मुंबई की टीम सिर्फ 1 ही रन बना पाती है और सुपर ओवर भी टाई हो जाता है। ये मैच क्रिकेट की तारीख का वो वाहद मैच है जिसमें 2 सुपर ओवर खेले गए थे। दोनों टीम्स को एक बार फिर सुपर ओवर दिया जाता है। दूसरे सुपर ओवर में मुंबई इंडियन की टीम पहले बैटिंग करती है और क्रिस जॉर्डन का सामना करते हैं पोलार्ड और हार्दिक पांड्या। खैर जैसे तैसे 2 चौकों की मदद से मुंबई इंडियन की टीम 11 रन बनाने में कामयाब हो जाती है और किंग्स इलेवन पंजाब को जीतने के लिए 12 रन की जरूरत होती है। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से बैटिंग करने आते हैं क्रिस गेल और पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट को एक लंबा छक्का रसीद करते हैं, जिसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 चौके लगने से किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ये मैच जीत जाती है। नंबर 5, दोस्तों सुपर ओवर टाकरा 2 मजबूत टीम्स के दरमियान हो या कमजोर, 6 गेंदों का ये मुकाबला एक्शन और थ्रिलिंग से फुल होता है क्योंकि बल्लेबाज की हर गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश फैंस को बहुत एंटरटेन करती है। अफगानिस्तान और आयरलैंड के दरमियान होने वाला ये सुपर ओवर टाकरा भी कुछ ऐसा ही था। जब अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है और 6 गेंदों पर सिर्फ 8 रन ही बना पाती है, जो कि इतना टफ टारगेट नजर नहीं आता, लेकिन राशिद खान अपनी घूमती हुई गेंदों से 9 रन का ये टारगेट भी आयरिश बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बना देते हैं। राशिद खान की पहली गेंद पर 1 रन और अगली गेंद पर चौका लगने से स्कोर 5 तक पहुंच जाता है और तीसरी गेंद पर वो बैट्समैन को LBW आउट कर देते हैं। चौथी और पांचवी गेंद बैट्समैन से बीट होकर खेल को और भी दिलचस्प बना देती है, जिसके बाद आखिरी गेंद पर आयरलैंड को जीतने के लिए 3 रन की मजीद जरूरत होती है और इस ड्रामा सिचुएशन में आखिरी गेंद पर केवन ओब्रायन छक्का लगाकर इस मैच के हीरो बन जाते हैं। नंबर 4, दोस्तों T20 फॉर्मेट में हमें कुछ ऐसे बॉलर्स भी नजर आते हैं जिनकी गेंद तेज और निशाने पक्के होते हैं। ऐसे बॉलर्स किसी भी टीम के खिलाफ मुश्किल खड़ी कर देते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाला ये सुपर ओवर ड्रामा भी कुछ इसी अंदाज में खत्म हुआ था, जब इंग्लिश बॉलर क्रिस जॉर्डन की गेंदों का सामना अफरीदी और उमर अकमल कर रहे थे। पाकिस्तानी बल्लेबाज जॉर्डन की गेंदों के सामने बेबस नजर आ रहे थे और इस पूरे सुपर ओवर में सिर्फ 3 ही रन बन पाते हैं। जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी अफरीदी ही हाथ में गेंद लिए सुपर ओवर करवाने आ जाते हैं और पहली 4 गेंदों पर सिर्फ इंग्लैंड की टीम 2 रन ही बना पाती है। इंग्लैंड की टीम को आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन की जरूरत होती है, लेकिन 5वीं गेंद पर 2 रन लगने से इंग्लैंड ये मैच जीत जाता है। नंबर 3, दोस्तों T20 फॉर्मेट में एक बॉलर के लिए मेडन ओवर करना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि हाथ में बल्ला लिए खड़ा बल्लेबाज किसी भी गेंद को खाली नहीं जाने देता, लेकिन क्या आपने कभी किसी बॉलर को सुपर ओवर मेडन करते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए CPL के इस मैच में देखिए। जब मैच टाई होने पर दोनों टीम्स के दरमियान सुपर ओवर खेला जाता है, अमेज़न वॉरियर की टीम पहले बैटिंग करती है और एक चौके की मदद से 12 रन का एक टारगेट सेट कर देती है और इन्हीं की तरफ से सुपर ओवर बॉलिंग करने आते हैं वेस्ट इंडीज के बॉलर सुनील नारायण। नारायण की पहली 4 घूमती हुई गेंदों को बैट्समैन टच भी नहीं कर पाता। 5वीं गेंद जो बैट्समैन के बल्ले से टच होती है वो कैच हो जाता है और ऐसे 5 गेंदों पर कोई भी स्कोर नहीं बन पाता और आखिरी गेंद को बीट करके सुनील नारायण क्रिकेट की तारीख का पहला मेडन सुपर ओवर कर देते हैं। नंबर 2, दोस्तों सुपर ओवर में सिचुएशन और प्रेशर हर चीज का रुख बदल देती है क्योंकि दोनों तरफ से ही टीम्स के बेस्ट प्लेयर आमने सामने खड़े होते हैं। जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ये T20 मैच जो कि एक जबरदस्त मुकाबले के बाद टाई हो जाता है और फैंस को सुपर ओवर देखने का मौका मिल जाता है। इंडिया की तरफ से सुपर ओवर करवाने आते हैं हम सब के फेवरेट बुमराह भाई। विलियमसन और गुप्टिल की जोड़ी के सामने बुमराह पहली 2 गेंदें तो अच्छी डालते हैं, मगर तीसरी गेंद विलियमसन के हाथों बच नहीं पाती और 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर जा गिरती है। चौथी और छठी गेंद पर 2 चौके लगने के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 18 तक जा पहुंचता है, जिसके बाद इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और KL राहुल का सामना होता है टीम साउथी से, जिन्हें T20 का बेस्ट बॉलर भी माना जाता है।
खैर पहली तीन गेंदों पर एक चौके के साथ इंडिया भी अपना खाता खोलती है और स्कोर 7 तक पहुंच जाता है। चौथी गेंद पर रोहित 1 रन लेकर स्ट्राइक संभालते हैं। अब आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन की जरूरत होती है, जो कि साउथी जैसे बॉलर के सामने एक मिशन इम्पॉसिबल ही होता है। लेकिन सामने खड़ा हिटमैन अगली 2 ही गेंदों पर 2 छक्के लगाकर हर चीज का रुख बदल देता है। नंबर 1, दोस्तों क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा सुपर ओवर ड्रामा वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में हुआ था, जब दोनों टीम्स का स्कोर 241 पर बराबर हुआ था और मैच टाई होने पर दोनों टीम्स को सुपर ओवर दिया गया था। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की थी और सुपर ओवर में 15 रन का टारगेट दिया था और न्यूजीलैंड की तरफ से जवाब में 5 बॉल्स पर 14 स्कोर बन चुके थे और आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 2 रन की जरूरत थी और आर्चर की इस आखिरी गेंद का सामना मार्टिन गुप्टल कर रहे थे। गुप्टल इस आखिरी गेंद को लेग साइड पर खेल कर 2 रन लेने की कोशिश करते हैं मगर दूसरा रन कंप्लीट नहीं कर पाते और सुपर ओवर में एक बार फिर दोनों टीम्स का स्कोर बराबर हो जाता है, जिसके बाद इंग्लैंड को ज्यादा बाउंड्रीज की वजह से विनर करार दे दिया जाता है। दोस्तों क्रिकेट के यही ट्रेजिक और सस्पेंसिव मोमेंट इस खेल को मजीद दिलचस्प बनाते हैं। वैसे आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।